बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है। क्यों? तू तो सब कुछ कर लेती है ना, एक मौका नहीं छोड़ती है ये प्रूव करने का कि सब कुछ तू अकेले ही कर लेती है। तो देख लेना ये होमवर्क भी, ये सब काम मुझसे नहीं होते। सच पूछो तो बच्चों की परवरिश करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये बच्चों के लिए ठीक है? एक दिन भी बता दो, कौन से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तुम हमारे साथ गए हो? दुनिया का सबसे बुरा बाप कौन? मैं। यही कहना चाहती ना तू? अगर ऐसे इल्जाम लगाने हैं ना तो कमरे में चल के लगाओ, बच्चों के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, समझे तू? सनी, सिमरित, तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आई। चलो सिमरित। मुझे नहीं पता कि मुझे आप दोनों के बीच में बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे बच्चों की बहुत फिक्र है। प्लीज बच्चों के सामने लड़ाई मत करिए। आप दोनों शायद दो दिन बाद लड़ाई को भूल जाओगे, लेकिन बच्चों का दिल इतना कोमल होता है कि इस लड़ाई की याद मैं जिंदगी भर परेशान करती रहेंगी। यही तो मैं जर्नैल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गलत समझने की आदत सी बन गई है इनकी। कल की आई इस लड़की के दम पे तू क्यों चल रही है? इसे खुद नहीं पता इस घर में कितने दिन रहने वाली है, और अगर तुझे इससे कोई हमदर्दी है ना तो तू भी अपने दिन गिनने शुरू कर दे इस घर में। तेजी, आई एम सॉरी दीदी, मुझे आप दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। नहीं हीर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सच पूछो तो सबसे बड़ी गलती है मेरे घर वालों की, जिन्होंने ये बड़ा सा घर देखकर मेरा रिश्ता यहाँ पे कर दिया। बिन प्यार का ये बड़ा सा घर इतना तंग है कि दम घुटता है मेरा यहाँ पर। सॉरी। जब से मैं इस घर में आई हूँ ने हमेशा मुझे संभाला है, लेकिन इस घर में उनका दर्द समझने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मैं इस कमी को पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगी। पुत्र। हाँ जी। तू कोई बात करनी चाहता था? अंकल जी, वो बात दरअसल ये है कि मुझे ना काम की जरूरत है जी। आप अगर अपने घर में मुझे किसी काम में लगवा दे तो। पुत्र, तू हीर को मायके से जानता है, कहीं राजविंदर तेरा गुस्सा हीर पर ना निकाले। हीर वैसे एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और मैं नहीं चाहता कि उसकी परेशानियां और बढ़े। चेतन ठीक लगे अंकल जी। पुत्र, बड़े होने के नाते मैं एक सवाल कर सकता हूं तुझसे? हाँ जी। कभी तूने अपने पियो के बारे में बात नहीं की? जिंदगी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं मुझे जिनके बारे में जितनी कम बात की जाए ना मुझे उतना ही बेहतर होता है। मैं कुछ समझा नहीं पुत्र। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज था मेरा बाप, जब मेरी मां को धोखा देकर गायब हो गया। और अगर कभी जिंदगी में मेरा बाप मुझे मिल गया ना तो मेरी और मेरी मां की जिंदगी पर बात करने का बदला जरूर लूंगा उससे। मुझे हद से ज्यादा नफरत करता हूं मैं सुनसान से। पुत्र, पता नहीं रब अच्छे दिल वालों के साथ ऐसा क्यों करता है। हीर को देखकर बड़ा दिल दुखता है पुत्र। अंकल जी, वो हीर जी ठीक तो है ना? नहीं पुत्र, आज सुबह ही उसे रंगीन कपड़े पहनने के लिए राजविंदर ने बहुत ताने दिए। इस बच्ची की किस्मत में न जाने क्या लिखा है, कैसे सारी जिंदगी अकेले गुजारेगी। मैं दिल से चाहता हूं पुत्र कि
उसकी जिंदगी में रंग भरने के लिए कोई जरूर आए। हीर जी की जिंदगी में रंग वापस लाने के लिए तो ये सब कर रहा हूं मैं अंकल जी। रीना दीदी नाम है ना आपका, वो तेजी दीदी बता रही थी आप बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। पूरी कोशिश करती हूँ मैडम जी कि अपना काम ना पूरी ईमानदारी से करूँ। अच्छा आप मैडम जी मत बोलो मुझे, हीर ही ठीक है। और तेजी दीदी का खाना परोस दो, मैं वहीं पे जा रही हूँ, मैं ले जाऊंगी। हीर दीदी आपको क्या जरूरत है, मैं लेकर आती हूँ ना, आप चलिए। क्या फर्क पड़ता है आप जाओ या मैं जाऊँ, खाना परोस दो जी। रीना दीदी आपके पैर को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सारा दिन खड़े होके काम करती हूँ ना तो पैरों में सूजन आ जाती है, वरना कोई बात नहीं। और इतने दर्द में भी आप काम कर रही हैं? अगर इतने छोटे से दर्द से घर बैठ जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा। लेकिन पैर को आराम ना देने की वजह से कुछ हो गया तो, लंबा चौड़ा डॉक्टर का खर्चा आ गया तो, तब आप क्या करोगी? सेहत ही बाबा जी का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है, मैं परोस दूंगी खाना, आप वहां पे आइए बैठी। नहीं दीदी आइए, हमारी बात तो सुनिए। दीदी ये क्या कर रही हैं आप, हमसे ऐसा पाप मत करवाइए दीदी, हम अपने मालिक को अपने पाँव को हाथ कैसे लगाने दे सकते हैं। नहीं दीदी, नौकर तो हम सब है, वाहेगुरु जी ने हम सबको सेवा करने का हुक्म दिया है। अब घर जाओ, आज आपकी छुट्टी। नहीं दीदी सबको खाना देना है। मैं हूं ना, मुझे खाना बनाना आता नहीं, लेकिन खाना परोसा और खाना खाना बहुत अच्छे से आता है। 5 साल से इस घर में काम कर रही हूँ लेकिन किसी ने भी ना मेरी इतनी दिल से चिंता नहीं की। आप बहुत अच्छी हो दीदी, पता है जब आपको ऐसे दुख में देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। मैं चलती हूँ दीदी, वाहेगुरु आपको हमेशा खुश रखे। तू काम की फिक्र मत कर, वो मैं देख लूंगा, ठीक है? मैं चलता हूं। हाँ जी तुम्हें तो छोड़ देना। लग रहा है तूफान आ रहा है, तो आटा होने जाना ठीक नहीं है, तो तुसी थोड़ी देर रुक के जाओ। इस तूफान को भी अभी आना था। आ जाओ अंकल जी। क्यों अंकल जी? कुछ नहीं पुत्र, शायद कुछ चुप गया पुत्र, बस मैं ठीक हूं। अंकल जी आ जाओ, तुसी बैठो बैठो इत्थे आराम नाल, मैं ना पट्टी कर देना तुम। पुत्र फिक्र ना कर। नहीं नहीं बैठो तुसी, मैं दवाई लेके आना। दीदी मैं आपके लिए खाना ले आई। तुम क्यों लेकर आई हो हीर, रीना कहाँ है, वो क्यों नहीं लाई? उनके पैर में दर्द हो रहा था, मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। तुम ये खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। खाने से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, आप शुरू करिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटी ले आई। हीर मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है। दीदी अनाज पर क्या गुस्सा निकालना, सोचिए इस मुट्ठी भर अनाज उगाने के लिए किसी किसान ने कितने धूप में पसीना बहाया होगा। चलिए मुंह खोलिए,
वैसे दीदी एक बात पूछूं, हमारे घर में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, फिर भी लोग साथ में बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? बोलो दीदी, ऐसा क्यों है? आजकल रोटी कमाना बहुत आसान है हीर, मगर साथ में रोटी बैठकर खाना बड़ा मुश्किल। क्योंकि साथ में बैठकर अगर खाना खाएंगे तो एक दूसरे से बात भी करनी पड़ेगी, और इस परिवार में बात चाहे कहीं से भी शुरू हो, अगर खत्म सिर्फ कलेश पर होती है। मम्मी जी पापा जी से सीधे मुंह बात नहीं करती। मीरा और जन्नैल का रिश्ता तो तुम देख ही रही हो, सब अपने मतलब के लिए जीते हैं इस घर में। और परिवार तो वो होता है ना, जहां खुद से ज्यादा दूसरे की फिक्र हो, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, एक पेड़ की डालियां भी तो अलग अलग दिशा में उगती है ना, लेकिन उनकी जड़ तो एक ही होती है ना। इस घर में सब भले ही अलग अलग दिशा में चल पड़े हो, लेकिन अपनी जड़ों को तो याद रख सकते हैं ना। सही कह रही हो तुम हीर, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इस घर की जड़ों को मजबूत करे। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मैंने भी कोशिश की थी, मैंने कोशिश की थी कि ये मेरा ससुराल है, यहाँ सबको एक साथ रहना है। मैंने कोशिश की थी कि सब एक साथ बैठ के खाएं, एक साथ बैठ के हंसें, खुशी मनाएं, त्योहार मनाएं। की थी मैंने भी कोशिश, पर मैं नाकामयाब हो गई। फिर मेरे बच्चे हो गए, और वही बच्चे मेरी जिंदगी बन गए। बस फिर मैं अपनी जिंदगी को साथ में लेकर उसी पहाड़ी की एक डाली का हिस्सा बन गई। मैंने भी अपने लिए एक दिशा चुनी और उसी दिशा में आगे बढ़ती रही। मैं इस परिवार को जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी दीदी। कितना बदनसीब है वो बाप जिसे तुझ जैसे बेटे का प्यार नसीब नहीं हुआ। जी लाइट भी आ गई। एक सेकंड अंकल जी। इस तस्वीर में कौन है? अंकल जी, यही तो है मेरी माँ। अंकल जी, यानी कि तू
तू मेरा खून है। अंकल जी ना पुत्र ना, अंकल नहीं हूं मैं तेरा। मैं दुनिया का वो बदनसीब इंसान हूं जो जैसे बच्चे से दूर रहा। तू मेरा खून है पुत्र, तू मेरी औलाद है। क्या अंकल जी? दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज था मेरा बाप। मुझे हद से ज्यादा नफरत करता हूं मैं सुनसान से। कुछ नहीं पुत्र, बस जब भी तुझे देखता हूं ना एक अपनेपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे तू कोई अपना ही है। अंकल जी मौसम ना हाले भी बड़ा खराब है, तुसी चाह पी लो थोड़ी देर। जी मैं ना बड़ी अच्छी चाह बनाता हूं। मम्मी जी ये लीजिए आपका खाना, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तेरे हाथ का खाना खाने से बेहतर है कि मैं नौकरों के हाथ का खाना खा लूं। हजार बार मना किया है तुझे कि मेरे कमरे में मत आया कर, फिर भी मुंह उठा के आ जाती है। और वो रीना मर गई थी वो जो तू मेरा खाना लेकर आई है। मम्मी जी उसके पैर दर्द हो रहे थे, मैंने उसे आज छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी? होती कौन है तू इस घर के फैसले लेने वाली? चार दिन की मेहमान है, मेहमान बन के रहे। और जहां तक बात है नौकरों की तो उनकी तो आदत ही होती है बीमारी का बहाना करके काम चोरी करने की। कमाल की बात है एक गरीब को दूसरे गरीब की नीयत समझ में नहीं आई। सही काम अमीर जी, मेरे मायके वाले आपके जितने अमीर तो नहीं है और हम आपके सामने जरूर गरीब है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मेरे पापा जी ने दूसरों के दर्द को समझना सिखाया है। सब खोखली बातें हैं। मेरा बेटा होने के बावजूद जीते ने अपनी पूरी जिंदगी इतनी गरीबी में इतने साधारण तरीके से गुजारी। मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं तेरा बाप हूं, पर अब तुझे यहां नहीं रहने दूंगा। मेरे बच्चे तेरी जगह मेरे दिल में है, मेरे घर में है। और एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक तू इस घर में है ना मेरे सामने तो तेरी दाल निकलने वाली। ये जो खाने खिलाने के नाटक नौटंकी है ना ये जाके अपने नए सास ससुर के सामने करना। तेरे माँ बाप ढूंढ रहे हैं ना तेरा दूजा ब्याह कराने के लिए कोई मुंडा। क्या है ही? हाँ? ये ठंडी दाल, ये ठंडी सब्जी, ये सूखी रोटियां, ठंडी थार, ये ठंडा खाना खाऊंगी मैं। मम्मी जी मैं अभी अभी गरम करके लाई हूँ। खाना इतना गरम होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकले। ठीक है एक फिर से गरम करके लाई। कोई जरूरत नहीं है, कोई भरोसा थोड़ी ना है तेरा। कहीं खाने में जहर मिला के दे दिया मुझे तो। उठा अपना ये ठंडा खाना और दफा हो जा यहां से।
ले चलता हूँ तुझे घर, पर राजविंदर के ताने सुन लेगा? हाँ जी अंकल जी, और बड़ों की बातों का तो मैं वैसे ही बुरा नहीं मानता। आखिर अंकल जी, वो हीर जी की हिफाजत का सवाल है। एक रास्ता है तुझे घर लेकर जाने का, इत्या। बेरंग जिंदगी बहुत जी लिया आपने हीर जी, फिर रंगों से आपकी पहचान कराने के लिए आ रहा हूं मैं। मैं जानती हूं मम्मी जी कि आपकी नजरों में मैं इस घर पे सिर्फ एक बोझ हूं। मैं ये तो नहीं जानती कि मेरा इस घर में कितना लंबा सफर है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे हूं इस घर को समेटने की पूरी कोशिश करूंगी, इस परिवार की जड़ों को मजबूत बनाकर ही रहूंगी।